भिन्नों के जोड़ और घटाव पर आधारित मिश्र मिले हुए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। कैसे इनको देखते हैं, जैसे अभी ऐसे लिखा हो, 2 सही 1/4 धन 200 माइनस 5/2 माइनस 1 सही 1/5 धन 2 सही 1/4 माइनस 50 सही 1/3। इस टाइप का क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए बड़ा आसान होता है। सबसे पहले आप पूर्णांकों को अलग करिए, तो ध्यान से देखिए, इसको हम लिखेंगे 2 धन 1/4 धन 200 माइनस 5/2। अब देखिए यहाँ माइनस लगा है तो दोनों माइनस हो जाएगा, ये हो गया -1 -1/5। ये धन है तो दोनों धन होगा, 2 धन 1/4 माइनस, इसको लिखेंगे 50 माइनस लिखेंगे 1/3। सबसे पहले आप पूर्णांक को अलग करिए, पूर्णांक यहाँ पे है 2 धन 200 धन, यहाँ पे देखिए ये एक, यहाँ पे ये -1 है और ये +2 है, यहाँ पे -50 है। भिन्न में देख लीजिए, भिन्न वाला पोर्शन इसमें 1/4 -5/2 -1/5 ये वाला +1/4 ये -1/3। इतनी बात समझ में आई बच्चा? अब देखो, सबसे पहले जो जो पॉजिटिव है इनको आप जोड़ लो, 2 प्लस में है 200 प्लस में ये वाला 200, तो 200 और 2 मिलके 4, तो हो गया 204, ये प्लस में हुआ। माइनस वाला अलग से जोड़ लीजिए, 50 में माइनस है और 1 माइनस में है, तो 50 1 हो गया 51, -51 प्लस। यहाँ देखिए कुछ चीज़ें हम बताए थे आपको कि जिनका जिनका हर एक समान होता है उनको हम डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। तो जैसे देखिए 4 4 इसका हर है, तो हम सीधे सीधे इसको जोड़ लेंगे, 1 1 2/4 ए जुड़ गया ये और ये, तो ये हुआ -5/2 -1/5 और -1/3, इतना बच रहा है। इसको चाहे तो आप काट सकते थे, 2 1 2 2 2 4, 204 में से 51 घटेगा, 4 में से 1 घटेगा तो 3, और यहाँ 10 में से 5 घटेगा 5, और यहाँ ये हो गया 153 प्लस। अब यहाँ देखिए बच्चे, 2 2 5 और 3, अब यहाँ अगर एक लाइन और बढ़ा दें, देखिए थोड़ा सा हमें और आसान हो जाएगा। देखिए ये एक जो बचा है ये वाली भिन्न प्लस में है और ये माइनस में है, इनका इनका हर एक जैसा है, समान है, तो हम सीधे सीधे इनके अंशों को जोड़ अथवा घटा लेंगे। तो अब ध्यान से देखिए आप कि ये जुड़ेगा या घटेगा, ये 5 ऋणात्मक है, इसमें से ये वाला जो पॉजिटिव वाला है वो घट जाएगा, 5 में से 1 घटेगा तो ये हो जाएगा बच्चे -4, और अपान में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो अब जो ये प्लस है ये प्लस हट जाएगा, देखिए फिर से देखिए, ये 1 यहाँ पॉजिटिव है, इसका चिन्ह है प्लस, और 5 यहाँ ऋण है, तो 5 में से 1 घटेगा, 4 आएगा लेकिन ऋण आएगा क्योंकि ऋण वाली संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ ऋण लिख दिए, और बाकी ये बचा है -1/5 -1/3, ये कट रहा है तो काट दीजिए, 2 1 2 2 2 4, बटे में 1 लिखें या ना लिखें, तो बच्चे हम इसको लिख सकते हैं 153 -2 माइनस, देखिए -1/5 है ये, -1/3 है, 2 इसमें से घट जाएगा 153 में से, तो 151 हो गया, यहाँ तक का 151 हुआ। और इनको देखिए, अगर इनमें हम माइनस कॉमन ले लें तो ये दोनों जुड़ जाएगा, वैसे भी आप जानिए कि ऋणात्मक जो संख्याएं होती हैं वो जुड़ जाती हैं, तो लिखेंगे 151 माइनस, इनका देखिए एलसीएम होगा 15,
सीधे सीधे पाँच से भाग करेंगे, पाँच या पंद्रह, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तीन एक तीन धन पाँच। ऐसी कंडीशन तब होती है जब ये अलग अलग हो, उनमें कुछ कामन ना हो। हम इसको लिखेंगे बच्चा 151 माइनस पाँच तीन आठ बटे पंद्रह। अभी इसको घटना है तो पूरे में से घटाएंगे तो इसका गुणा करेंगे फिर घटाएंगे, इसलिए हम क्या लिखते हैं इसको 150 लिख देते हैं, एक अलग कर लेते हैं माइनस आठ बटे पंद्रह। ये लिखेंगे बच्चा 150, 15 एक कम 15, 15 में से 8 घटेगा तो कितना आएगा 7 बटे 15। और इस चीज़ को हम लिख पाएंगे 150 सही 7 बटे 15। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हुआ। तो जोड़ घटाने पे आधारित जो भी क्वेश्चन हो, वो देखने में कितने ही बड़े हों, उनको हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसमें मूल नियम लगाएंगे तो थोड़ा सा ये कैलकुलेशन उसका बड़ा पड़ेगा। एक और देख लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए बच्चे, जैसे ऐसे लिखा 15 सही 1 बटा 4 माइनस 2 सही 1 बटा 3 माइनस 5 माइनस 1 सही 1 बटे 4 माइनस 2 सही 1 बटे 5। अब देखिए एक चीज़ और देखिए, ये यही अकेले पॉजिटिव है, थोड़ा सा इसको हम देख के भी समझेंगे। ये 15 है, 15 से ज़्यादा है, ये देखिए दो घटना है, पांच घटना है, एक घटना है और दो घटना है। तो ऐसे एक अनुमान लगा लीजिए कि इसका जो मान आएगा वो निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। ऋण में देखिए दो दो एक तीन, तीन पाँच आठ, आठ दो दस, लगभग 10 से ज़्यादा होगा ये, तो ये 15 में से आसानी से घट सकता है। तो यानी जो हमारा आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो इनको अलग अलग लिख लीजिए। अब हम सीधे सीधे लिख रहे हैं, एक लाइन और नहीं बढ़ाएंगे। ये 15 हुआ, जो जिसका जो चिन्ह है लिख दीजिए। ऋण दो लिखेंगे, ऋण पाँच लिखेंगे, ये भी पूर्णांक है, ऋण एक लिखेंगे, ऋण दो लिखेंगे, इतना लिख दिए। अब इसका चिन्ह धन है तो ये वाला धन लिखा जाएगा, धन एक बटा चार। ये वाला यहाँ माइनस है इसके आगे तो माइनस एक बटा तीन लिखेंगे, ये इसमें भिन्न वाला पोर्शन नहीं है। ये वाला देखिए ऋणात्मक है, ऋण एक बटा चार, ये भी ऋणात्मक है, ऋण एक बटा पाँच, ऐसे लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए बच्चा, ऋण वाली कई संख्याएं तो उनको हम जोड़ लेते हैं और ऋण में लिखते हैं। देखिए ध्यान से, दो दो एक तीन, तीन में पाँच जोड़ेंगे आठ, आठ दो दस, ये हो गया ऋण दस धन। अब एक चीज़ थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, इन ये तो घट के इतना हुआ, ऋण वाले ऋण दो और पाँच दो सात एक आठ दो दस हुआ ऋण में। यहाँ देखिए ये धन एक बटा चार है, ऋण एक बटा चार है, ये दोनों कैंसिल हो सकता है, जितना प्लस में रहे जितना माइनस में रहे वो हट सकता है। अब बचा है बच्चे हमारे पास माइनस एक बटे तीन माइनस एक बटे पाँच। 15 में से 10 घटेगा तो ये हो गया पाँच। यहाँ माइनस चिन्ह आप कॉमन ले लीजिए तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। वैसे भी जानिए कि ऋण ऋण वाली संख्याएं जुड़ के ऋणात्मक ही होती हैं। अब देखिए माइनस, इनका एलसीएम अभी बताए थे 15, तीन का भाग करेंगे, तीन पचे 15, पाँच बार जाएगा, पाँच का इसमें एक में गुणा, पाँच एक कम पाँच, ऐसे पाँच से भाग करेंगे इसमें पाँच यहाँ 15, तीन का एक में गुणा, तीन एक कम तीन, और ये आया बच्चे पाँच माइनस पाँच तीन आठ बटे 15। इसको हम क्या करेंगे, पाँच में से इसको घटा लेंगे, तो पाँच में से घटाना कम सही है, इसको हम चार धन एक माइनस आठ बटे 15 लिख दें। अब ध्यान से देखिए, चार धन 15 एक कम 15, 15 में से आठ घटेगा बच्चा तो 7/15, और इस तरीके से हम लिख पाएंगे इसको 4 सही 7/15। और क्वेश्चन देख लेते हैं।
जैसे ये लिखा है, तीन सौ प्लस दो सही एक बटा पाँच माइनस पचास सही दो बटा चार, दो बटा पाँच माइनस तीन सही एक बटा चार माइनस एक सही एक बटा दो माइनस पचास या डेढ़ सौ कुछ भी लिख दीजिए, एक बटा चार। इस टाइप का क्वेश्चन है, इनको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप पूर्णांक को अलग कर लीजिए, हो गया 300 प्लस 2 माइनस 50 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 150। यहाँ तक पहुँचे हैं, 302 माइनस 50 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 150। जिनके सामने जो चिन्ह है वही लिखेंगे, इसके सामने प्लस है, भिन्न वाला पोर्शन लिख रहे हैं, प्लस 1 बटे 5, ये माइनस है माइनस 2 बटे 5, ये भी माइनस है माइनस 1 बटे 4, ये भी माइनस है माइनस 1 बटे 2, ये भी माइनस है माइनस 1 बटे 4। यहाँ तक लिखे बच्चे, अब इनको सॉल्व करते हैं। देखिए प्लस प्लस वाला जोड़ लेंगे और माइनस माइनस वाला, देखिए प्लस है 300 और 2 तो ये हो गया 302, माइनस वाला देखिए 150, 1, 3 और 50 जोड़ के देखिए, 150 में 50 जुड़ेगा 200, 3 एक 4 तो ये हो गया 204, 50 3 53 54, 54 को 150 में जोड़ेंगे 204, ये हुआ। अब एक चीज़ देखिए बच्चा, इसमें यहाँ इनको ज़रा देखिए, इनका इनका हर समान है, जिनका हर समान होता है उनको हम आपस में जोड़ अथवा घटा लेते हैं, हर इनका वही रहेगा पाँच ही। अब चिन्ह की बात है कि इन दोनों का चिन्ह धन होगा कि ऋण होगा, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो ये हमेशा क्या होंगे, घटेंगे। अब देखिए ऋण जो लिखा है ऊपर उसकी संख्या बड़ी है, तो दो में से एक घटेगा, दो में से एक घटेगा तो एक आएगा, लेकिन साथ ही साथ हम इसका चिन्ह भी वही लिखेंगे, ऋण वाला चिन्ह लिख दिए क्योंकि ये ऋणात्मक वाला ज़्यादा है, इसमें से घट गया। ऐसे अगर ध्यान दिया जाए तो देखिए एक बटा चार और एक बटा चार ये ऋण ऋण है, अभी बताया गया था कि ऋण ऋण वाले जुड़ते हैं, इसका भी ऋण चिन्ह है इसका भी ऋण चिन्ह है, और इनका हर एक जैसा है, इनका हर एक जैसा है यानी इनका हर क्या है भाई, चार है, तो चार लिख दीजिए, और ऋण एक और ऋण एक दोनों ऋण ऋण है तो दोनों जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा ऋण दो, तो यहाँ पर हम ऋण दो लिख दिए। तो देखिए ये इतना सॉल्व होके ये हुआ, ये और ये सॉल्व होके ये हुआ, माइनस एक बटे दो इसको हम लिखेंगे। एक चीज़ और देखिए, इसको हम काट दें, दो एक कम दो, दो दूना क्या हो गया बच्चे, चार हो गया। तो ये वाले भिन्न भी देखिए, ये बन गई माइनस एक बटे दो, माइनस एक बटा दो ये है ही। तो सबसे पहले अब देखिए यहाँ इसको पहले घटा लीजिए, 302 में 204 घटाएंगे, 12 में से 4 घटेगा 8, यहाँ 9, और तो 12 में से 4 घटा 8, यहाँ 9, और यहाँ 2 में से 2 घटेगा कुछ नहीं। यहाँ देखिए माइनस एक बटा पाँच आप ऐसे लिखिए, ये देखिए ऋण एक ये भी है, ऋण एक ये भी है, इनका हर समान है, तो हर हम वही दो ही लिखेंगे, और ये देखिए जुड़ जाएगा, जुड़ेगा, दोनों ऋणात्मक है तो जुड़ेगा और चिन्ह वही रहेगा, ऋण एक मिल कर ऋण दो हो गया, तो आगे ऋण चिन्ह लगा दिया और एक एक जुड़ के क्या हो गया दो। ध्यान से देखिए कट भी सकता बचा, दो एक कम दो, दो एक कम दो, इस तरीके से ये हो गया 98 माइनस एक, अब ये पूर्णांक हो गया, बटे में एक हम लिखें अथवा ना लिखें, बटे का एक लिखा जाए या ना लिखा जाए, इसको हम ऐसा लिख दिए, यानी ये एक अब पूरा पूरा पूर्णांक हो गया माइनस एक बटे पाँच। देखिए 98 में से एक घटेगा बच्चे, तो ये हो गया 97 माइनस एक बटे पाँच, इधर हम लिख लेते हैं। अब 97 में से घटाएंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे, इसलिए इसको हम लिख देते हैं 96 प्लस 1 माइनस 1 बाई 5। अब देखिए ये हो गया 96, 5 1 जा 5, 5 में से 1 घटेगा तो ये हो गया 4 अपान 5। अब यहाँ प्लस में होगा, ध्यान से देखिए 5 एक कम 5, ये प्लस 5 हुआ,
उसमें से एक घटेगा तो प्लस में आएगा, प्लस वाला ज़्यादा है चार, और इसको हम सीधे लिख पाएंगे 96 सही 4/5। तो इस तरीके से हम जो इनके जोड़ और घटाने पे मिश्रित प्रश्न हैं उनको हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, चलिए बच्चों जैसे देखिए कुछ भी लिखा हो, 18 + 1/4 - 2 + 1/3 - 1 + 1/4 + 2 + 1/7 - 1 = 4 - 1 = 2। इस तरीके का क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए पूर्णांक अलग करिए, 18 - 2 - 1, जिसके सामने जो चिन्ह है वही चिन्ह लिखते जाइए, +2 - 1 + 1। पूर्णांक हम लिख लिए अलग अलग, भिन्न वाला पोर्शन लिखिए, ये है +1/4, यहाँ -1/3, यहाँ -1/4, यहाँ +2/7, -1/4, +1/2, ऐसा होगा। अब देखते हैं इनको, पहले हम पूर्णांक वाला सॉल्व करें, इसमें प्लस प्लस जो है उनको जोड़ लीजिए। देखिए 18 का चिन्ह प्लस है, 2 है और ये 1 है, ये प्लस में है, तो 18 + 2 = 20 = 21 हो गया। माइनस वाला देखिए, ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो 2 + 1 = 3 = 4, -4। एक चीज़ बचा, थोड़ा सा देखें इधर, ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, एक कट जाएगा, तो ये बच रहा है प्लस, आगे लगा है प्लस लगा दीजिए, जिसका जो साइन है वही लिखिए, अगर प्लस लिखे हैं तो वही साइन रहेगा, माइनस लिखते तो साइन सबका बदल, -1/3 +2/7 -1/4 +1/2, ऐसा लिख दिए। अब इनका 21 में से 4 घटेगा तो ये हो गया 17 प्लस, इसको हम बच्चे सॉल्व कर लेते हैं इकट्ठा। अब देखिए 3, 7 और 4 का जो है LCM निकालना है, तो 3 किसी से नहीं कटेगा, 7 भी किसी से नहीं कटेगा, यानी इनका इनका गुणा होना चाहिए, और 4 और 2 का लासा 4 होगा। कहने का मतलब 3, 7 और 4 इनका गुणा करेंगे, 7 × 3 = 21 = 84। तो देखिए इनका लासा होगा 3 × 7 × 4, ऐसा समझ लीजिए, 3, 7, 4 में ये दोनों आ जाएगा। अगर हम 3 से भाग करते हैं, ध्यान से देखिए 3 से भाग करते हैं तो ये 3 क्या होगा, कट जाएगा, 7 × 4 = 28 बार जाएगा, 28 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो गया -28 प्लस, 7 का भाग करिए भाई, 7 कटेगा, 7 × 1 = 7 कट गया, बचा 3 × 4, 3 × 4 = 12, 12 × 7 = 84, ठीक है, तो 84 ये पूरा बनेगा, 84 में 7 से भाग करेंगे तो 12 बार जाएगा, ये 7 कटा, 3 और 4, 3 × 4 = 12, 12 × 2 में गुणा, 12 × 2 = 24। फिर देखिए इस वाले को, ऋण है तो ऋण लिखिए, 4 से भाग करेंगे 4 कटेगा, 7 × 3 = 21 बार जाएगा, 21 का 1 में गुणा करेंगे, 21 × 1 = 21, धन। 2 से भाग करिए इसमें, 2 से भाग करेंगे, 2 × 2 = 4, ये कटेगा भी, 2 बचा है यहाँ पे, तो 2 × 7 × 3, 7 × 3 = 21 = 42, और 42 × 1 = 42 होगा। ध्यान से देखिए 2 से भाग करेंगे इसमें, 2 बार गया, जितना बार जाता ये 2 कटेगा, 2 बार गया, 2 =
14, 14 त्रिक 42, यानी 42 बार जाएगा। यहाँ पे 84 होगा, 2 से भाग करेंगे तो 42 दूना 84, 2 से भाग करने पे 42 बार गया, उसका एक में क्या होगा गुणा होगा तो ये 42 हो गया। अब बच्चे यहाँ भी देखते हैं, ये तो हो गया नीचे 84, 7 त्रिक 21 चौक 84। अब यहाँ भी प्लस प्लस वाला अलग जोड़ लेंगे और माइनस माइनस वाला अलग जोड़ेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ माइनस 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 28 माइनस 21 इनको अलग जोड़ेंगे और ये माइनस में लिखेंगे, 8 एक 9 2 2 4 28 और 21 जुड़ के 49 हो गया रेड वाला। प्लस वाला देखिए 24 है और 42 है, तो ये हो गया 4 2 6 और 4 2 6 66 हुआ। अब आपको ये देखना है कि धन वाला ज़्यादा है कि ऋण वाला ज़्यादा है, दिमाग लगाइए। यहाँ धन वाला ज़्यादा है तो आंसर हमारा धन में आएगा, प्लस में आएगा, तो इसको हम इधर लिख देते हैं 17 और 66 में से 49 को घटा दीजिए तो आंसर हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला है। और यहाँ 16 में से 9 घटेगा तो 7, यहाँ 5 हुआ, 5 में से 4 घटेगा तो 1, बटे में 84। इसको हम ऐसे लिख पाएंगे बेचा, 17 सही, 17/84। तो इस तरीके से जोड़ व घटाने के जो मिश्रित क्वेश्चन हैं उनको हम बड़े ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, आप इनको खुद से प्रश्न बनाइए और सॉल्व करिए, और जहाँ दिक्कत हो वहाँ बताइए कमेंट करके, और चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब भी करिए और बच्चों में भी शेयर करिए, जिससे औरों को भी ये जानकारी मिल सके। जिनकी मैथ बहुत ही वीक हो उनके लिए ये बेसिक मैथ जो हम पढ़ा रहे हैं, ये समझिए मैथ सीखने की एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है। और जब तक ये सब नहीं जानेंगे तब तक आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आएगी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको मैथ अच्छे से आए, इसके लिए हम एक एक छोटी सी छोटी बातें भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी थोड़ा सा सहयोग करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, औरों से भी सब्सक्राइब कराइए, शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।